क्योंकि वैसे क्षेत्र तो हम वहाँ पर नॉन आते ही रहते हैं, लेकिन अभी पिपरा में मैन सिंह हैं, थे बहुत मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनका आज वार्षिक श्राद्ध था, ऐसी परिस्थिति में उनको माल्यार्पण करने के उद्देश्य से आए। फिर एक गाँव टनकवार है, वहाँ सुजीत कुमार जी हम लोगों के साथी हैं, उनके पिताजी का भी श्राद्ध था, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम था। फिर उसी गांव में कनकवारे में एक विजय सिंह नाम करके लग प्रतिष्ठित किसान हैं, उनका एक बेटा को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, तो उस के लिए भी वहाँ बनाए। कहने का मतलब आज दुर्घटनाओं से आच्छादित क्रम था, सबसे औपचारिक भेंट मुलाकात करने का कार्यक्रम था। इसी संदर्भ में क्या कहेंगे कश्मीर को लेकर के आपने ट्वीट किया है कि बिहारियों पर जो अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, उसमें केंद्र सरकार को आपने कहा था कि 15 दिन में हालात नहीं सुधरे तो आप बिहारियों को सौंप दें, क्या कहेंगे? एकदम स्पष्ट हमने कहा है, वहाँ पर जब जब ये लोग प्रयास करते हैं तब तब आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ जाता है। भारत सरकार की निष्ठा और उनके कर्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो भी शक्ति है वो लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने कहा है कि जुमला है ये बिहारी सब पर भर, तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता के लड़ाई में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो यदि हालात काबू से बाहर जा रहे जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। यही हम क्या CM बना देना चाहिए सर, हालात कैसे सुधरेगी? कैसे सुधरेगी उसको पहले हम कैसे खुलासा कर लेंगे? CM बना देना चाहिए। हम लोग रणनीति है, हम लोग रणनीति अपनाएंगे, हमारे यहाँ एक से एक योद्धा हैं, एक से एक सुपरशानी रहे हैं, स्वतंत्रता के इतिहास में भारत का बिहार का अव्वल नंबर आता है। आज भी हमारे यहाँ अच्छे लोग और देश के प्रति कटिबद्ध जान देने वाले लोगों की कमी नहीं है, वे लोग सब एकत्र होंगे, एकत्र होकर के कश्मीर में आतंकवादियों से हम लोग जूझेंगे, लड़ेंगे, यही हमारा कहना है।